हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देविका एंड बार्बी ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आज आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ बार्बी के जो ट्यूशन टीचर है उनसे, मिस पायल। मिस पायल बहुत ही स्वीट है, वो आई हुई है अभी बार्बी को ट्यूशन पढ़ा रही है, तो इसलिए मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी। उसके बाद आज है, वही बताना था आपको कि आज है 13 सितंबर, तो मेरा गिफ्ट मिलना कब से स्टार्ट हुआ था, 2 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। मैंने आप लोगों से सब शेयर किया था, तो आज है 13 सितंबर, तो 13 सितंबर तक मुझे गिफ्ट मिल रहा है। तो आज किसने गिफ्ट दिया है मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। सिमरन का गिफ्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया 12 सितंबर का, मीन्स ट्यूजडे का। तो आज है 13 सितंबर वेडनेसडे, तो आज का भी मैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। ये है पुछी, उसको मिनी बुलाती है बार्बी, मिनी बुलाने से ही सुनती है। मैं अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं चेंज ही कर लूंगी मेरा आदत, मैं उसको पूछी पूछी बुलाती हूँ, मिनी ही बुलाऊंगी। मिनी बुलाने से ही सुनती है, बार्बी की बात ही सुनती है। और बार्बी के अभी ट्यूशन टीचर से मिली है, आर्ट टीचर से तो मिल ही चुके हैं, आर्ट टीचर आपके सामने खड़ी है। और डांस टीचर से कभी कभी मतलब मौका मिले तो जरूर मिलवाऊंगी उनसे। और जो म्यूजिक टीचर है बार्बी का, उनसे भी मैं जरूर मिलाऊंगी आप लोगों को। बार्बी एक्स्ट्रा लेती है आर्ट डांस एंड म्यूजिक क्लास, स्टडी के अलावा भी ये एक्स्ट्रा करती है, बिकॉज आजकल के ज़माने में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो चलिए ज़्यादा बकबक नहीं, मना करके पायल, मिस पायल से मिल लेते हैं। बार्बी के ट्यूशन टीचर का नाम है मिस पायल। हेलो मिस पायल, ये बहुत ही अच्छा टीचर है, बार्बी को क्लास 3 से गाइड कर रही है। तो बार्बी पहले क्लास 2 तक उतना रिजल्ट अच्छा नहीं होता था, तो जब से मिस पायल ने गाइड करना स्टार्ट किया तो बार्बी का परसेंटेज जो है 96-98 ऐसा परसेंटेज होता है। तो बार्बी टीचर डे विश किया तो बार्बी ने टीचर को टीचर डे भी विश किया, तो बहुत ही अच्छे। थैंक यू सो मच मिस पायल बार्बी को ऐसे गाइड करने के लिए। कुछ बोलो बार्बी, टीचर को फिर से टीचर डे विश करो। थैंक यू मिस पायल। तो आप लोगों को कैसा लगा मिस पायल से मिलके? बहुत अच्छा लगा ना, वो बहुत बहुत स्वीट है। मैंने आप लोगों को बोला ना, क्लास 2 से जब से ले रही है क्लास बार्बी का, तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। और मैं गॉड से यही प्रे करती हूँ बार्बी को आगे भी वही पढ़ाए, वही पढ़ाए, वही पढ़ाए, वही पढ़ाए, वही पढ़ाए। तो आफ्टर मैरिज भी मैंने उनको यही बोला है कि बार्बी का क्लास ना छोड़े, प्लीज मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। थैंक यू सो मच मिस पायल मेरी डॉटर को ऐसा गाइड करने के लिए, बिकॉज मैं घर पे नहीं होती हूँ, तो मैं और रात को मेरा आते आते 8 ऐसा हो जाता है, तो मैं उसके स्टडी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो वो बहुत गाइड करती है, जब भी एग्जाम होता है या बहुत गाइड करती है। थैंक यू वन सेकेंड पायल। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मुझे आज गिफ्ट मिला, आज 13 सितंबर, तो आज क्या क्या मिला तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मिनी यहाँ पे तुम बैठो, ठीक है, यहाँ पे बैठो। मुझे और एक गिफ्ट मिला है आज, जो प्याली ने दिया है वो बाबूलाल कचहरी माया भवन में ही सीखती है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि जो लास्ट सैटरडे है मुझे उसके मम्मी ने कॉल किया था कि मैडम आपका एक फोटो भेजिए। तो मैंने क्या किया था, गूगल से डाउनलोड करके, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था ऑलरेडी, एक मंकी का फोटो दे दिया था। तो उसके मम्मी बहुत हंसी, मैडम आप भी कितना मजाक करती है। तो उसने ये गिफ्ट दिया, देखिए इसके अंदर क्या है मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। यहाँ पे लिखा है हैप्पी टीचर्स डे मैम पियाली, दिस इज फॉर यू मैम, वाओ सो नाइस। एंड वो बहुत ही क्यूट है, लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया। अच्छा करती है ड्राइंग, ठीक ठाक कर लेती है, अभी न्यू ज्वाइन किया ना इसलिए, और भी आगे और भी अच्छा होगी मुझे पता है, क्योंकि वो अटेंटिव है, होमवर्क करके लाती है, सब कुछ मतलब टाइम टू टाइम करती है, तो धीरे धीरे और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। उसका मम्मी ये बहुत स्वीट है। तो मैं दिखाती हूँ उसका जो गिफ्ट है, मैं दिखाती हूँ, देखिए वाव, सामने दिखाओ ना, वाव वाव।
देखिए यार इतना अच्छा गिफ्ट, थैंक यू सो मच प्याली, हैप्पी टीचर्स डे लिखा हुआ है और मेरा फोटो, ये मेरा फेवरेट फोटो है यार, वाह यही फोटो। उसको मैं मंकी के फोटो भेजने के बाद उसके मम्मी ने बोला मैडम प्लीज अभी आपका फोटो भेजिए, मैंने 3-4 फोटो भेजा था तो उसको भी मुझे बेस्ट फोटो यही लगा था तो उसने यही फोटो डाला। वाह थैंक यू सो मच, थैंक यू प्याली, मैं इसे जरूर 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 यूज करूंगी। नहीं अभी मैं यूज नहीं करूंगी, अभी मैं इसे सजा के रख दूंगी, कुछ साल बाद मैं इसे यूज करूंगी। ओके क्योंकि ये इतना अच्छा है, डेली यूज करूंगी तो थोड़ा खराब तो हो जाएगा, तो मुझे ये खराब करना नहीं है, तो मैं अभी इसे सजा के रखूंगी हॉल रूम में, ड्राइंग रूम में, फिर मैं कुछ साल बाद मैं जरूर यूज करूंगी। थैंक यू सो मच प्याली एंड पेरेंट्स प्याली का, थैंक यू। यहाँ पे बैठो मैं दिखाती हूँ, ये है मुझे दिया प्याली ने, सॉरी प्याली का गिफ्ट मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये मुझे दिया स्वीटी ने, स्वीटी रॉय ने दिया, ये प्याली का गिफ्ट मैंने दिखाया, वो कप दिया था, मेरा फोटो प्रिंट करके कप दिया था, बहुत ही अच्छा लगा था प्याली का गिफ्ट तो। और ये दिया है मुझे दिया ने, दिया एवरी ईयर टीचर्स डे में, मतलब वो क्लास मतलब ज्यादा एब्सेंट करती है बिकॉज उसका तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही लो है इसलिए, बट वो टीचर्स डे कभी नहीं भूलती है। वो लास्ट ईयर भी मुझे इतना अच्छा एक शॉल दिया था, तो वो शॉल मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं जब भी वेडिंग में जाती हूँ विंटर के मौसम में तो मैं वो यूज करती हूँ, एंड लास्ट ईयर मुझे इतना अच्छा एक वो क्या था, वो स्टॉल टाइप था बट मैं यूज करती हूँ, बहुत कलरफुल है, एवरी ईयर देती है और गिफ्ट मतलब मैं यूज करती हूँ, इतना यूजफुल गिफ्ट देती है। दिस ईयर क्या दिया मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ, फोटोज। हाँ ये तो मतलब शौक की बात है कि क्योंकि वो मेरे एफबी में भी नहीं है और इंस्टा में भी नहीं है श्योर, और व्हाट्सएप में तो मैं स्टेटस में जब दिया था, मतलब ये सब फोटो मैं स्टेटस में दिया था, बट तब क्या मतलब वो स्क्रीनशॉट रख रख के मतलब वो जमा कर रही थी आई थिंक सो। वाह मुझे अभी कॉल करके उसको पूछना होगा कैसे मिला, सच में मैं सरप्राइज हूँ, मुझे एकदम ही आइडिया नहीं था ये प्लान कर रही है वो। वाह थैंक यू सो मच दिया, ये मेरा बहुत पुराना फोटो है तब से वो रख रही है, वाह वाह थैंक यू सो मच। मेरे स्टूडेंट्स मुझे इतना लाइक करती है और मेरा भी गॉड से यही प्रे है मेरा हेल्थ ठीक रहे, मैं वैसे ही आगे भी मैं ऐसे ही काम कर पाऊँ। थैंक यू सो मच दिया, वाह मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो ग्रीन पार्क का फोटो है, ये नौगांव में जब गई थी तब का फोटो है, ये बहुत लॉकडाउन का फोटो है, ये जनवरी फेब्रुअरी हाँ ऐसे क्या, और ये है ये जो नौगांव गई थी रिसेंट जो गई थी तब का, ये भी नौगांव का है, ये भी नौगांव का है, ये तो टीचर्स डे का है आप लोगों को पता है, ये भी टीचर्स डे का है फोटो, मैंने ब्लॉग अपलोड किया था तो उसका ही है। वाह थैंक यू वंस अगेन दिया, वाह मुझे तो नहीं पता था, नहीं तो मैं इसके साथ ही उसके साथ फोटो क्लिक करती गिफ्ट के साथ ही, मैंने तो नहीं खोला था, मुझे नहीं पता था, और उसने मुझे फोटो मांगा भी नहीं, प्याली ने जैसे फोटो मांगा था मुझसे तो प्याली ने, मुझे पता था प्याली का कुछ ऐसा ही होने वाला, बट दिया का तो एकदम ही आइडिया नहीं था मेरा। थैंक यू वंस अगेन दिया एंड तुम्हारे फैमिली को थैंक यू, बहुत सपोर्टिव है। एंड अभी मैं प्याली का कप शायद मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, प्याली का कप एक बार दिखा देती हूँ, मैं उन्हें फैन ऑन नहीं किया और लाइन नहीं है, एसी काम नहीं करेगी इसलिए मेरा पूरा पसीना पसीना और स्वेटिंग कर रही हूँ, लाइन अभी गया है 5 में गया है अभी, कितना 7 हो गया है अभी तक नहीं आ रहा है, और फैन चलाऊंगी तो आप लोगों को आवाज अच्छी नहीं आएगी, इसलिए बार भी कैमरा पकड़ी हुई है, बार भी पूरा सेटिंग कर और मैं भी